आठ। 8 होगा, गुड। क्योंकि आप देखेंगे तो ये सम्मुख भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। 8 सेंटीमीटर होगा। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो भुजा पी एस है, भुजा पी एस है वह है आपका यक्स सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से बच्चों जो भुजा क्यू आर होगी वह कितना होगी, वह भी एक्स होगी। इसलिए परिमाप का मान क्या होगा, देखिएगा बच्चों, परिमाप, परिमाप का मान होगा चारों भुजाओं का योग, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। परिमाप का मान सवाल में दे रखा है 48 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान है 8, क्यू आर का मान है एक्स, आर एस का मान है 8 और एस पी का मान है एक्स। 8 और 8 कितना होता है बच्चों, 16। सोलह। एक्स और एक्स जोड़ दीजिए 2x और 48 तो है ही यहाँ पे। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए जगह नहीं है इसलिए मेरे को यहाँ हल करना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, 48 माइनस 16 घटा देंगे बराबर क्या होगा, ये 2x होगा। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर। अब बताओ बच्चों 48 में से, ठीक है 48 में से 16 घटाओगे कितना आएगा, तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32 आएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा बच्चों, 16 होगा। x का मान कितना आ गया, 16। तो यह भुजा 16 सेंटीमीटर की होगी और यह वाली भुजा भी 16 सेंटीमीटर की होगी। अब कौन सा विकल्प सही है मिला लीजिए। क्यू आर का मान हम लोगों में कितना है, क्यू आर का मान 16 है, देखो 16 यहाँ पे। एस आर का मान कितना है, 8 है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इस वाले विकल्प को देखिए, क्यू आर का मान 16 है, एस आर का मान 8, एस पी का मान बच्चों, एस पी का मान यहाँ पे देखोगे तो क्या पाएंगे, 16, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये समझ में आया, अगर हाँ, यस अगर ये समझ में आ सर, गया तो आपका उत्तर करिए भाई। यस सर। गुड गुड बच्चों, गुड। सारे बच्चों ने देख लिया कि इसका उत्तर क्या आएगा, तो विकल्प नंबर डी आएगा। कैसे आएगा मैंने ये भी बता दिया। बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर अपने कॉपी में नोट कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड गुड। चलिए अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन बच्चों मैंने ऑन कर दिया। आपसे पूछा क्या है, दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, इस वाले समांतर चतुर्भुज का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि आप जानते होंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का बच्चों क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्षलंब। यहाँ पे आधार का मान क्या होगा उसको रखिएगा, शीर्षलंब का बच्चों मान क्या होगा वो भी दे रखा है चित्र में, उसको रखिएगा। ज्यों ही इसका गुणा कराएंगे त्यों ही आप उसका उत्तर पाएंगे। जल्दी से इसका हल करिए और हल करके इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में।
आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ लंब और आधार का मान रखना है, उसके बाद से आपका उत्तर आ जाएगा। और बच्चे इसका उत्तर करिए जल्दी से, पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए, चैट बॉक्स मैंने बंद रखा है बच्चों। चलिए अब मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, जो भी बच्चे इसका उत्तर करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में इसका उत्तर कर सकते हैं, जो भी बच्चे इसका उत्तर करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में इसका उत्तर कर सकते हैं बच्चों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हल देखते हैं। आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था इन्होंने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी इस वाले आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार आधार गुणे ऊंचाई, या फिर अगर आप ऊंचाई नहीं लिखना चाहते हैं तो ऊंचाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ऊंचाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं शीर्ष लंब, सबसे बढ़िया वर्ड हो जाएगा शीर्ष लंब। आधार, एक बात बताओ बच्चों, ये जो लंब है वो कहाँ से डाला गया है, वो ये जो लंब है वो यहां से डाला गया ना, इस तरीके से लंब है, कहने का मतलब ये है ये एक लंब है। अब ये कहां से डाला गया है, इस शीर्ष डी से, तो आधार कौन होगा, आधार होगा भुजा ए बी, आधार क्या होगा, तो भुजा ए बी इसका आधार होगा, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर यह 9 सेंटीमीटर है तो इसके सम्मुख वाली भुजा भी 9 सेंटीमीटर होगी, तो आधार का मान हो गया 9 और शीर्ष लंब का मान बच्चों कितना है, 8 है, और दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो 9 8 72 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बच्चों एकदम याद कर लीजिए कि क्षेत्रफल अगर जहां भी पूछा जाएगा तो उसका जो मात्रक आएगा वो हमेशा वर्ग इकाई मात्रक आएगा, वर्ग इकाई, ठीक है, ये मात्रक होता है वर्ग इकाई। मेरे बोलने का मतलब क्या है, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से ये मात्रक आते हैं। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। हाँ बच्चों होमवर्क मैं दे रहा हूं, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, यस यदि सर, गुड गुड गुड, सर, ठीक है। चलिए अब मैंने अपना स्क्रीन ऑन किया होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों।